अजीब सा सवाल है जी क्या छिपकली खाना हलाल है क्या छिपकली खाना जायज़ है क्या ये हदीस में आता है कि हज़रत खालिद इबन वलीद रजी अल्लाह तन ने छिपकली खाई थी नौमान साहब इंडिया से नौमान साहब छिपकली खाना हराम है हदीस में छिपकली नहीं गोह के बारे में आता है ज़ब जिसको अरबी में ज़ब कहते हैं इतनी बड़ी होती है ना जंगल में गोह घूम रही होती है तो ये हदीस में आता है वकील वब्ब अला मादती रसूल अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे गो खाई गई है नबी ने तो नहीं खाई लेकिन ख़ालद अबन वलीद रज़ी अल्ला तु ने दस्तर ख़्वान पर गो थी आपने खाई तो इस हदीस की बेस पे तीनों इमा इमाम मालिक इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इबन हमर हमल् ताला इसके क़ायल हैं कि ये गो खाना जायज़ है इमाम अबू हनीफ़ा और उनके दोनों शागिरदो साहिबैन हैं उनके नज़दीक जायज़ नहीं है उसकी दलील अपने अलग दलाइल हैं इसलिए कि इमाम अबू हनीफा के एक मौक़ ये है कि जो खबर